हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर और एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले इसमें एनिमल फिजियोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रेस्पिरेशन आता है, सर्कुलेशन आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आता है, तो इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम आते हैं। सबसे पहले जिस सिस्टम से हम शुरू करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड होता है आपके ब्लड से, आपके हार्ट से, आपकी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज से, कि कैसे कैसे इनमें ब्लड सर्कुलेशन चलता है, कैसे प्रेशर मेंटेन होता है। और हम देखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमारे कौन कौन से होते हैं और अलग अलग जो हमारे हार्ट की वर्किंग है वो कैसे होती है, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है किसी भी ह्यूमन बींग का वो कैसे मेंटेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल और प्रोटेक्शन। और कार्डियक स्ट्रक्चर को हम पहचानने वाले हैं कि कार्डियक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में हम देखेंगे, हम ब्लड वेजल्स के बारे में उनके टाइप देखेंगे और ये देखेंगे कि उनका रोल क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और थोड़ा सा हम ब्लड ग्रुप टाइप्स और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में भी इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमको जैसे पता है कि जो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो विलियम हार्वे हैं, और इन्होंने ही जो ब्लड ग्रुप का आपका क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप्स के इन्होंने दिए थे। ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे और इनको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो ब्लड होता है उसके तीन फंक्शन होते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग चीज़ों का, जैसे ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, पानी का, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है, उन चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काम सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है वो ब्लड के पास है हमारी बॉडी में। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा पसीना आता है या फिर पसीना आना बंद करना है तो ये चीज़ें भी कंट्रोल जो है वो हमारा ब्लड ही करता है, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है ब्लड का वो है वो प्रोटेक्शन बॉडी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं हमारी ब्लड में जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। और इसके अलावा जब कहीं पर हमारा कट आ जाता है तो ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसकी जो क्लॉटिंग होती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपोनेंट्स भी फाइब्रिन जो होते हैं वो सब ब्लड में ही उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड जो है एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम एक डबल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें दो लूप होते हैं। पहला लूप जो होता है वो होता है पल्मोनरी लूप। इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो ब्लड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो ब्लड हार्ट से निकल कर लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, और उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और वो प्योर होकर वहाँ से फिर हार्ट में आता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरी साइकिल, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में ये जो आती है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरी जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें कि जो प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी सेल्स में जाता है और वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे हार्ट को वापस आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि पंप, हार्ट की जो पंपिंग हो रही है ब्लड की वो दो तरफ हो रही है, एक लंग्स की ओर और दूसरी बॉडी की ओर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम डिटेल में देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्यूरिफाइड या हम कहें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से रिटर्न करती हैं, लंग से रिटर्न करती हैं हार्ट को, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें आर्टरीज में ब्लड प्योर होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, बेसिकली ये डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ते आए हैं लेकिन ये गलत डेफिनेशन है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को टू द हार्ट लेकर आती हैं। तो हार्ट को लाने वाली जो भी आपकी वेजल्स होंगी उनको हम
और वेन्स कहेंगे, और हार्ट से जाने वाले जो भी वेजल्स होंगे उनको हम आर्टरी कहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, तो लंग्स को जाने वाली जो आर्टरीज हैं उसमें क्या होता है, हार्ट से इम्प्योर ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट में आता है। और जो दूसरा हमारा साइकिल था उसमें हमने देखा कि जो प्योर ब्लड है वो एरोटा से होते हुए बॉडी सेल्स में आता है और फिर वापस बॉडी सेल से वेना कावा जो वाल्व होती है वहां से वो वापस ऑरिकल्स में आता है। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पूरा होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो वॉल्व्स हैं वो वेना कावा और एरोटा हैं, जो कि बेसिकली इम्प्योर और प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने और ले जाने का काम, एंट्री का काम हार्ट में करती है। इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज इम्पॉर्टेंट हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं, टाइप्स ऑफ जो वेजल्स होते हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। तो ये तीन टाइप कौन कौन सी हैं, पहली जो वेजल होती है उसको हम कहते हैं, एक तो आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, और जो हार्ट से जो हार्ट में लेकर आती हैं उसको हम वेन्स कहते हैं, और कैपिलरी जो होती हैं वो ब्लड को टू और फ्रो बॉडी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पतली पतली नसें हमको दिखाई देती हैं अपनी बॉडी सरफेस पर कहीं कहीं, वो कैपिलरीज होती हैं। अब अलग अलग टाइप के ब्लड वेजल्स क्यों बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप के ब्लड वेजल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनका अलग अलग काम है, ब्लड जो आर्टरीज होती हैं उनका अलग काम है और वेंस का अलग काम है, और वो जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो जाए इसलिए, ताकि जो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा तो फिर उनका मुश्किल हो जाएगा काम, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स बनाई गई हैं। जो पहला टाइप है वो है आर्टरी, इसकी जो आउटर वाल होती है ये बहुत थिक होती है, और जो इनर वाल होती है वो मसल्स की बनी होती है और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, और ये भी थिक होती है, और जो इनर उसका ल्यूमेन होता है, जो भीतरी छेद होता है वो नैरो होता है, नैरो सेंट्रल ट्यूब होता है। अगर हम बात करें वेन्स की, जो इसकी बाहर की वॉल होती है वो थिन होती है। ध्यान देने वाली बात है कि आर्टरी में और वेन में ये बेसिक डिफरेंस है कि जो आउटर वॉल है वो वेन्स में थिन होती है और आर्टरीज में थिक होती है, और जो इनर लेयर है वो मसल और इलास्टिन फाइबर की बनी होती है लेकिन ये भी थिन होती है, और जो अंदरी ल्यूमेन है वो वाइड होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो आपका नैरो है, वो पतला है, और जो वेन्स का जो ल्यूमेन है वो वाइड है, चौड़ा है। इसके भी कुछ कारण हैं, अभी हम देखेंगे आगे कि ये ऐसा क्यों है। और कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है और वन सेल वॉल होती है, तो एक सेल की सिंगल लेयर होती है और इनमें कोई ऐसी लेयरिंग नहीं होती है। अब वॉल्व्स की बात करते हैं कि जब खून ग्रेविटी के अगेंस्ट बहता है और जो वेन है वो स्क्वीज होती है, तो एक मसल का जो मसल एक्शन के कारण जो स्क्वीज होती है वेन, तो ऐसा हो सकता है कि जो खून है आपका वो रॉन्ग डायरेक्शन में बह जाए। तो वेन्स के पास वाल्व्स होती हैं जो बैक फ्लो को, ब्लड के वापस उल्टी डायरेक्शन में जाने को रोकती हैं। तो ये जो वाल्व्स होती हैं जब ये खुली होती हैं तो ये ब्लड का फ्लो को सही डायरेक्शन में जाने देती हैं, लेकिन जब ये बंद होती हैं तो जब वापस जा रहा होता है ब्लड तो ये बंद हो जाती हैं, बैक फ्लो प्रिवेंट करती हैं, बैक फ्लो को रोकती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वेन्स हैं उनके अंदर वाल्व्स होते हैं जो रोकते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, जिससे कि गलत डायरेक्शन में जो खून जा रहा है वो रुकता है। कार्डिक साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली देख लें तो हार्ट में जो होते हैं दो ऑरिकल्स होते हैं जिनको हम राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम कह देते हैं, और उसके बाद इसमें दो लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं जिसको हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखें हार्ट के, तो जो उसकी वॉल है हार्ट की वो कार्डिक मसल्स की बनी होती है, और जो वॉल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं राइट और लेफ्ट जो साइड हैं उनको जो वॉल डिवाइड करती है उसको हम सेप्टम कहते हैं, और जो राइट
ऑरिकल ब्लड का जो एक्सपेल ऑफ ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट रोकता है उसको हम सेमी लूनार वाल्व कहते हैं, पल्मोनरी और आर्टरी एरोटिक वाल्व के बीच में ये होता है। और इसके बाद जो बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको मिट्रल वाल्व भी हम कह देते हैं, और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसको कि हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये दो वाल्व होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड के वापस फ्लो को आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अदर वाल्व्स हैं, जो अलग अलग किस्म के वाल्व हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, वो किस तरीके के हैं। सेमीलूनर वाल्व हो गया, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम देखते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। अगर हम पूरे लूप में इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि एक जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन से जो ब्लड आता है, और पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है प्योर ब्लड, और जो हमारे एओर्टा से जो जा रहा है, इसके बीच में ये ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में जा रहा है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुल रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अलग अलग, अगर इसको स्टेजेस में हम देखें तो हम देखते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है हार्ट में वो किस तरीके से सैमल्टेनियस प्रोसेस में होता है, और ये किस तरीके से निकलता है, और जो इम्प्योर ब्लड है जिसको हमने नीले से दिखाया है वो किस तरीके से लंग्स को जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, और एरोटा से जो प्योर ब्लड है वो कैसे हमारी बॉडी को जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ब्लड हमारे हार्ट में आता है, और वेंट्रिकल्स में आया और ये चला गया, ये ऑरिकल्स में आया, ये वेंट्रिकल्स में आया और ये चला गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें एक बीट प्रोड्यूस होती है, जिस बीट के कारण पंप, जब ये पंप होता है तो तब ये वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो पंपिंग, इसीलिए हम लोग हार्ट को क्या कहते हैं, एक पंप कह देते हैं, क्योंकि हार्ट एक पंप का काम करता है। अगर हम हार्ट साउंड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में दो किस्म की आवाज आती है, एक लव और एक डब की आवाज। तो लव जो पहली आवाज आती है वो तब आती है जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उसमें एक लब की आवाज़ आती है। और डब की आवाज़ तब आती है जब आर्टरिया हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लब और डब, दो किस्म की आवाज़ें हमारे हार्ट में आती हैं, और ये पूरे मिलाकर एक कार्डिक साइकिल बनाती हैं। अब टाइम भी जरूरी है, जैसे हमको पता है कि नॉर्मली हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है हमारा दिल, तो ये जो स्पीड है इसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा पेसमेकर के बारे में, तो ये पेसमेकर जो होता है ये आपके हार्ट के पेस को बनाए रखता है, आपके हार्ट के बीट्स को बनाए रखता है। जो SA नोड और AV नोड, दो किस्म के इसमें नोड्स पाए जाते हैं। जो SA नोड होता है वो नर्वस टिश्यू होता है, और जो SA नोड जो होता है वो आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है या करता है, और जिससे कि जो सिग्नल होता है वो AV नोड को जाता है और उससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से जो ऑरिकल और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो SA नोड और AV नोड के माध्यम से मेंटेन होता है, और इनकी स्पीड, इनकी जो पेस है वो मेंटेन रहता है और टाइम मेंटेन रहता है। तो ऐसे नोड और AV नोड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हार्ट बीट्स को बनाए रखने के लिए, और इनमें अगर इफेक्ट आ जाए तो हार्ट बीट रुक जाती है। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो बेसिकली ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल जो होता है वो तब आता है प्रेशर जब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स कर रहे होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सिस्टोल आता है। तो इन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो डायस्टोल है उस समय ब्लड कहाँ से कहाँ फॉलो कर रहा होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में उसमें ब्लड आ रहा होता है डायस्टोल के समय। और जो सिस्टोल होता है उसमें वो पंपिंग वाला टाइम होता है, जब ब्लड पंप हो रहा होता है लंग्स में और बाकी बॉडी में। तो वेना कावा से और एरोटा से जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है तो उसमें सिस्टोल होता है, और जब आपकी ब्लड आपके ऑरिकल्स में एंटर कर रहा होता है पल्मोनरी वेन से और आपके
वेना कावा से जब ब्लड अंदर आ रहा होता है ऑरिकल्स में, लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स में, तो उसमें डायस्टोल होता है। तो इस तरीके से हमारे दो प्रेशर मेंटेन होते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल, जिसको हम कहते हैं, जिसको नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में मान लेते हैं 120 और 80। और आजकल स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि वे ऑफ लिविंग चेंज हो गई है, तो थोड़ा सा इसको अपर लिमिट 130 और 85 के आसपास भी नॉर्मल मान लिया जाता है ब्लड प्रेशर। अब ये मेंटेन कैसे होता है? अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको मैं सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ फटाफट। तो ब्लड प्रेशर जो मेंटेन होता है उसको हम देखते हैं कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, एक हम पाइप ले लें और देखें कि ये पानी जब हम किसी पौधे पर डालते हैं और उसका अगर प्रेशर बढ़ाना है, उसका अगर हम पाइप का मुंह छोटा कर दें तो प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर पानी का प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है और बहुत दूर तक वो पानी जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखते हैं कि जो डायमीटर होता है या रेडियस होता है किसी भी वेजल का, या फिर किसी भी आपकी आर्टरी का, वेन का, या कोई आपके आर्टरीज का, तो इस तरीके से अगर वो वेसल का रेडियस बढ़ेगा या घटेगा तो उससे जो है आपके ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। तो आर्टरीज का जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनका ल्यूमेन होता है वो बहुत पतला होता है, और जो वेन्स होती हैं उनका ल्यूमेन चौड़ा होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं वो वन सेल होती हैं और बहुत पतली होती हैं। तो आर्टरीज की जो स्पीड होती है ब्लड की, क्योंकि पंप उसी समय हार्ट से पंप करके आर्टरीज के माध्यम से बॉडी में आता है, तो स्पीड ज़्यादा होती है। विड्थ उनकी मीडियम होती है कैपिलरीज और वेन्स के बीच में, और प्रेशर जो होता है वो हाई होता है इसलिए। और अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स में जो स्पीड होती है वो लो होती है, विड्थ उनकी वाइड होती है तो प्रेशर भी लो होता है। और कैपिलरी जो कि आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को लेके जाती हैं, सेल्स तक लेके जाती हैं, उनकी स्पीड मीडियम होती है, विड्थ भी नैरो होती है तो प्रेशर भी उनमें मीडियम रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, उनमें जो स्पीड, जो प्रेशर है और जो स्पीड है वो अलग अलग रहता है ब्लड का। वो उसको डिफाइन करने के लिए, ये निर्धारण करने के लिए उनकी विड्थ होती है कि उसका प्रेशर हमने कैसे रखना है। एक इंडिविजुअल जो होता है उसके ब्लड प्रेशर को बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि उसकी एज होगी, जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती रहती है तो बीपी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, बढ़ता रहता है। जेंडर हो सकता है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो मेन होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादातर फीमेल से या वुमेन से ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपके ब्लड प्रेशर को इनक्रीज कर सकता है। डाइट है, अगर नमक, जैसे हम कहते हैं बीपी वाले मरीजों से कहते हैं कि आप नमक कम खाइए, तो जिनका बीपी ज़्यादा होता है तो, और जिनका कम होता है उनसे कहते हैं आप कॉफ़ी पीजिए या आप नमक खाइए, तो नमक से भी और सैचुरेटेड फैट से भी जो होता है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो आपके डाइट पर भी निर्भर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा। एक्सरसाइज कितनी आप करते हैं, जितने ज़्यादा आप फिट रहेंगे आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियाँ उतनी कम रहेंगी। और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके हार्ट पर स्ट्रेस डालता है, और इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एंजिना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स आ जाते हैं अलग अलग। तो इस तरह की बीमारियां आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये, जैसे मैंने आपको तीसरा फंक्शन बताया था कि ये जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेनटेन करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेनटेन करता है। अगर हम देखें अपनी बॉडी सरफेस को, तो उसके नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, और उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है, शरीर में जब गर्मी होती है तो पसीना निकालना, ताकि बॉडी का टेम्परेचर लूज हो और बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके। लेकिन जो लूज होने के लिए जो हमारा ब्लड है और ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो जो हमारे सरफेस, स्किन सरफेस के आसपास जो भी कैपिलरीज होती हैं, जो भी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, वो वाइडन हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, फूल जाती है, जिससे ब्लड जो होता है वो स्किन की ओर ज़्यादा जाता है, जहाँ से वो हीट को आसानी से रेडिएट कर सकता है। अपने ब्लड का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो स्किन को ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से वो रेडिएट कर सकता है। इसको हम वैसो डायलेशन कहते हैं। इसी का एक रिवर्स प्रोसेस होता है,
जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का कम होता है तो उस समय क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं हमारे सरफेस के पास वो नैरोवर हो जाती है, वो पतली हो जाती है, जिससे जो ब्लड है वो डाइवर्ट होता है, स्किन से दूर होता है, जिससे क्या होता है कि जो हीट लॉस है वो लिमिटेड हो जाती है। इसको हम वैस्को कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन दो मेथड्स हैं जिसके माध्यम से कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से अगर वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो स्वेटिंग स्टॉप हो जाएगी, वैसो डायलेशन होगा तो स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है हमारे ब्लड का। सबसे पहला चीज़ जो ये ट्रांसपोर्ट करता है वो है ऑक्सीजन, जो लंग्स से हमारे हार्ट को ट्रांसफर करता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी सरफेस को आर्टरीज और कैपिलरीज से होते हुए जाता है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी, जो हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको ये वापस ब्लड के माध्यम से वो हार्ट में लेके जाता है, और हार्ट से वापस फिर लंग्स में लेके जाता है, जहाँ से कि उसको लंग्स जो होते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करके फिर वो एक्सपायर कर देते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस छोड़ देते हैं एटमोसफियर में। तो ये पूरा प्रोसेस जो ट्रांसपोर्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये पूरा ब्लड करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, ज़्यादातर हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्लड ही इस्तेमाल होता है, और ब्लड इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे शरीर में ग्लूकोज और बाकी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो भी बनते हैं और जो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, और उनको वापस टिश्यूज तक ले जाने के लिए, टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए, उनको सारा काम जो है वो ब्लड करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या नाइट्रोजनस वेस्ट हो, कोई भी, उसको किडनी से जब ट्रांसफर निकालना होता है, प्योरिफिकेशन होता है, तो वो काम भी सारा का सारा हमारा ब्लड करता है, कि ब्लड से जो भी हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। कार्ल लैंडस्टेनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा गया है, और क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज करी थी। और इसमें आजकल जो हम ब्लड ग्रुप लेते हैं उसमें एक फैक्टर और लेते हैं हम, जिसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। आर एच मतलब रेसस मकाक से लिया गया है, क्योंकि ये फैक्टर सबसे पहले इस बंदर में पाया गया था, तो इसके नाम पर इसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। आप कहते हैं ए बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आर एच फैक्टर है, कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव मतलब ए ब्लड ग्रुप है और आर एच पॉजिटिव है, ए नेगेटिव मतलब ए ब्लड ग्रुप है और आर एच नेगेटिव है, यानी कि रेसस फैक्टर उसमें नहीं है। तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होता है वो चार ग्रुप होते हैं हमारे ब्लड के, टाइप के चार टाइप के होते हैं। और जो सबसे पहला ब्लड ग्रुप है वो है ए, और दूसरा है बी, फिर दोनों को मिलाकर बनता है ए बी, और एक जिसमें ए और बी नहीं होते हैं आपके, उसमें ए और बी बोथ एंटीजन होते हैं, एंटी ए और एंटी बी होते हैं एंटीबॉडीज दोनों, उसको हम ओ कहते हैं। तो बेसिकली इनका जो डिवीजन है वो इस बेस पर करा गया है कि इसमें एंटीबॉडीज कौन सी हैं और एंटीजन कौन सी हैं। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन होता है, बी में बी होता है, ए बी में दोनों एंटीजन्स होते हैं ए और बी, ओ में कोई भी एंटीजन उपलब्ध नहीं होता है। तो और एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज ए में एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजन बी होती है, एंटी बी होती है, यानी कि ए वाले को आप बी का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, अगर वो देंगे तो उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडीज पहले से उपलब्ध होती हैं और वो क्लॉटिंग हो जाएगी। उसी तरीके से बी में जो होता है वो एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं, और ए बी में जो होती है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप दोनों एंटीजन उसमें उपलब्ध हैं, तो कोई भी उसमें एंटीबॉडी उपलब्ध नहीं होती है। जो कि एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं बॉडी में, वो ब्लड में, वो प्लाज्मा में होती हैं आपकी, और एंटीजन जो होती है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन में होती है आपकी। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें आपकी दोनों एंटी ए और एंटी बी होती हैं, तो इसलिए इसको सिर्फ ब्लड जो है ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है, लेकिन ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड। जो ओ होता है उसको यूनिवर्सल
डोनेटर कह देते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह देते हैं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन जब उसको देने की बात आएगी तो वो सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो और ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो खाली ए को और ए बी को दे सकता है, और बी जो होगा वो खाली बी को और ए बी को दे सकता है। ए बी को तो सभी दे सकते हैं, हमने देखा, ओ वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है और बी वाला भी। और लेकिन जो ओ वाला है वो अगर उसको ब्लड चाहिए होगा तो उसको ओ वाला ब्लड ग्रुप ही चाहिए, व्यक्ति वैसे ही चाहिए जिस पर ओ ब्लड ग्रुप हो। क्लॉटिंग की बात करते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसी होती है। जब भी कोई कट आता है हमारे शरीर पर तो उसकी क्लॉटिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो कंटिन्यूस फ्लो को रोका जा सके, ब्लड लॉस को रोका जा सके। तो कैपिलरी वॉल में जब भी कोई ब्रेक आता है, कट आता है, तो ब्लड वेजल्स इंजर्ड हो जाती हैं, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी ब्लड की वो क्लम्प हो जाती हैं एक जगह पर, एक जिस जगह कटा हुआ है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाती हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। आपने भी कभी देखा होगा, छोटा कट होता है तो सूखने के बाद वो थोड़ा सा पीला पीला सा वहाँ पर हो जाता है सूखने पर, तो वो क्या होते हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया होता है आपका, प्लेटलेट्स क्लम्प हो गई होती है वहाँ पर। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पूरी एक साइकिल चलती है, कि जब आपका प्लेटलेट्स का क्लम्पिंग होगा तो उससे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा, और थ्रोम्बिन जब आएगा तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, जिससे कि वहाँ पर एक क्लॉट हो जाएगा और वो सूख जाएगा फिर आपका वहाँ पर, तो वो क्लॉट बन जाता है वहाँ पर, वो पीली वाली कंडीशन अब आई आपकी, कि यहाँ पर आपका क्लॉट बन गया, फाइब्रिन बन गया, जाल। अगर कभी आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर आपका नेट जैसा बना होता है, तो वो पूरा क्या करता है, क्लॉटिंग जहाँ पर होती है वो फाइब्रिन का एक पूरा नेट जैसा वहाँ पर बन जाता है, और इससे क्या होता है, आपका ब्लड का फर्दर लॉस रुक जाता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, कि इस तरह की प्रोसेस जब कम होती है, कहीं कहीं पर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पर कि प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उनका ब्लड लॉस रुक नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और आदमी की डेथ तक हो सकती है अगर सीवियर कट आ जाए तो। आरबीसी की बात कर लेते हैं, कि आरबीसी जो होता है, ब्लड जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इनमें जो जो लाल कलर है हमारे ब्लड का, वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के कारण आता है, और इसको हम शॉर्ट में आरबीसी भी कह देते हैं। इसको हम एक्चुअल में, इसका नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स, और इनका जो शेप होता है वो डिस्क की तरह होता है, और ये हमारे बोन मैरो में, जो हड्डी के बीचों बीच बोन मैरो होती है उसमें ये बनते हैं, और एक रेड कलर का कंपाउंड होता है इसके अंदर, जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन, हेम आयरन ग्रुप होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, तो हेमोग्लोबिन होता है विच बाउंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, एक बार में एक ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कंपाउंड को ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरा का पूरा आपका हेमोग्लोबिन का ही काम होता है, और जो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक इमेज यहाँ पर लगाई गई है, आरबीसी आप देख सकते हैं और डब्ल्यूबीसी का गुच्छा भी आप देख सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी, जैसे मैंने कहा कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इसीलिए क्योंकि इनका कलर व्हाइट होता है, बेसिकली इनका नाम ल्यूकोसाइट्स है, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये हमारे आरबीसी से बड़े होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है उनके मुकाबले, और ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, इसलिए इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कह देते हैं, इनको सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि पूरा डिफेंस सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो डब्ल्यूबीसी पर निर्भर होता है। और कुछ जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करती हैं, सराउंड कर लेती हैं, और कुछ उनको खा भी लेती हैं, कंज्यूम भी कर लेती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में एंटीजन्स आए बाहर के, जो भी बीमारी वाले जो भी तत्व आए, उनको रोकने का काम जो है वो डब्ल्यूबीसी का है। और सम प्रोड्यूस केमिकल्स जैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे कि
बहुत से इन्फेक्शन को हम लोग फाइट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा एंटीबॉडी मत खाएंगे आप, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंटीबॉडीज खाएंगे तो ये WBC क्या होंगी, ये कमज़ोर हो जाएंगी, और जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी और ये फाइट नहीं कर पाएंगी। जैसे सर्दी किसी को लगती है तो कहते हैं कि 72 घंटे तक इंतजार करिए, आप दवाई मत खाइए, क्योंकि अगर आप दवाई खाएंगे तो फिर 72 घंटे में ये अपने आप ठीक हो जाएगी, इसके एंटीबॉडीज अपने आप बन जाएंगी। दवाई खाने से फिर एंटीबॉडीज़ का काम कम हो जाएगा, WBC का काम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि WBC जो होती है बीमारी से स्वयं ही लड़ने की कोशिश करती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कंपोनेंट ब्लड में होता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ये रेड बोन मैरो में बनती हैं और ये थ्रोम्बोकाइनेज बनाती हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बहुत ज़रूरी होता है, और ये टिश्यू के रिपेयर में भी बहुत मदद करती हैं। जो वाउंड्स घाव हो जाते हैं उनको भरने में, चाहे वो अंदर से हुए हों या बाहरी घाव हों, उन दोनों घावों को भरने में ये प्लेटलेट्स बहुत मदद करती हैं। और जब ये ज़रूरत इनकी पड़ती है तो ये इरेगुलर शेप में ग्रो करते हैं और एक साथ ये चिपक जाते हैं, ताकि ये प्लग की तरह काम करते हैं घाव पर, और ये वहाँ पर उसका घाव को बंद कर देते हैं। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड सेल्स होता है और प्लेटलेट्स होते हैं उसको सराउंड करता है, उसके चारों ओर प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, और ये बना होता है आपका 90% वाटर से और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, और इसमें ग्लूकोज भी होता है, इसके अलावा एंटीबॉडीज होती हैं, यूरिया और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें ब्लड को तो हम प्लाज्मा को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से जो प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाता है और जो अदर ब्लड का कंटेंट है वो नीचे रह जाता है, तो जो येलोइश पार्ट ऊपर आता है, दिस इज प्लाज्मा। थैंक यू सो मच।